शामिल करते हैं शो में। पल्लवी का सवाल हम लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ रही हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आऊंगी। इन्होंने IRFC खरीदा हुआ है, बाइंग प्राइस है 200, और रेलटेल में भी खरीदारी कर रखी है, उसमें इनकी बाइंग प्राइस है 556। फोन लाइन पर नहीं है मेरे पास, तो नज़रिया मैं नहीं बता पाऊंगी। बताइए झटपट दोनों ही स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, दोनों ही रेलवे सेगमेंट के स्टॉक हैं, और यहाँ से भी जो चार्ट चार्ट के थ्रू जो भी एनालिसिस हो पा रहा है उसमें अभी भी वीकनेस नजर आ रहा है। सबसे पहले IRFC की बात कर लेते हैं। हालांकि स्टॉक ने 200 DMA के आसपास एक स्टेबिलिटी दिखाया है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, जब तक कि स्टॉक 175 के नीचे ट्रेड करता है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें एक डिसाइसिव क्लोजर 150 के नीचे अगर आ जाता है तो हमें फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 142-138। सो वो नेक्स्ट सपोर्ट होंगे IRFC में। और अगर हम रेलटेल के चार्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी वीकनेस नज़र आ रहा है, और जब तक ये स्टॉक 485-490 के नीचे ट्रेड करता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिप ले सकता है ये स्टॉक 435 के आसपास। सो दोनों स्टॉक में मुझे सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये राय है रेलटेल।